ठीक चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने 2 रुपये के जो पेट्रोल और डीजल है उसमें रेट में कमी की है, जिसका फ़ायदा जो है लोगों को होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से पेट्रोल और डीजल के जो रेट थे वो बढ़े हुए थे, क्योंकि काफ़ी जो रेट हैं वो काफ़ी पिछले दिनों में काफ़ी बढ़े थे, लोग काफ़ी त्रस्त थे। इसको लेकर के हम मौजूद हैं नोएडा के पेट्रोल पंप पर, जहां पर आप जो लोग हैं वो यहां पर गाड़ी में पेट्रोल भराने आए हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से जो पेट्रोल और डीजल के रेट हैं अब काफ़ी रियायत मिली है, जिस तरीके से जो यूपी में रेट है वो इस समय 94.83 रुपये पेट्रोल और जो डीजल है वो भी 2 रुपये सस्ता हो गया है। इस समय दिल्ली में 96.72 रुपये जो पेट्रोल है वो अब पहले था जो कि 94.72 रुपये अब हो गया है। वहीं चेन्नई में 106.31 रुपये था जो कि अब घटकर के 104.21 रुपये हो गया है, और कोलकाता में भी 106.03 रुपये था जो अब घटकर के 103.94 रुपये हो गया है, और साथ ही चेन्नई में भी 102.63 रुपये था जो कि अब 100.75 रुपये हो गए। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि इसका कितना फ़ायदा है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश है। आकाश जी, ये बताइए कि आज से पेट्रोल और डीजल के जो दाम है 2 रुपये कम हो गए हैं, आपको फ़ायदा तो होगा? बहुत बहुत फ़ायदा है, मैं डेली गुड़गांव यूज़र हूँ एंड मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है डेली ट्रेवल, एंड मेरा दिन का ही खर्चा 800-900 रुपये का है। भले 2 रुपये कम है बट ठीक है, इट विल इम्पैक्ट मी। क्या ये सरकार को पहले कर देना चाहिए चुनाव के वक्त इस तरह की कटौती, जैसे गैस पे कम कर? यस, पहले कर देना चाहिए था, एंड अभी मुझे लग रहा है जैसे जैसे चुनाव के दिन आ रहे हैं वैसे वैसे और कम होंगे रेट, एंड जैसे चुनाव खत्म होंगे तो फिर मुझे लग रहा है अपनी उसी स्थिति पे आ जाएंगे जो पहले थी। तो अब मानते हैं कि सरकार जो है ऐसे रेट जो है घटाती और बढ़ाती रहती है चुनाव के दौर पे? ये तो उनकी टैक्टिक्स है, एंड कोई भी गवर्नमेंट हो वो तो हमेशा ऐसे ही रहता है। बिल्कुल, जो यूजर्स हैं जो पेट्रोल और डीजल लगातार यूज़ करते हैं, जो अपनी दैनिक गाड़ियों में जो डेली सफ़र करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ज़रूर राहत की बात है, लेकिन उनको सरकार से यही उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से जो रेट हैं वो अब घटाए हैं, इसको जो है चुनावी जो घोषणा नहीं मानी जाए, क्योंकि लोग जो है इस पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों से काफ़ी परेशान हैं, वो ये चाहते हैं कि लगातार जो पेट्रोल और दाम बढ़ रहे थे उनको कम किया जाए। कैमरा पर्सन भरत सिंह रावत के साथ में मोहम्मद यूसुफ, News 24 Noida।